उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को ग्रुप सी पदों में नियुक्ति होने पर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप सी पदों की भर्ती में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों की नियुक्ति दी गई है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सभी को पता चलना चाहिए कि दूरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में क्यों भर्ती किया गया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड प्रदेश जिस परिकल्पना को लेकर बना था, आज वो परिकल्पना तार तार हो चुकी है। हमारे इन आंदोलनकारियों ने सोचा होगा कि यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार किसको मिल रहा है ये आपके सामने चीजें हैं। ग्रुप सी का एक ऐसा पद होता है किसी भी प्रदेश के लिए वहाँ के ही प्रदेशवासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए उसमें नौकरियां दी जाती है, परंतु उत्तराखंड में ये चल रहा है कि यहाँ पर ग्रुप सी के पद पर इसका पे ग्रेड 4600 रुपए है। उस पर यहाँ पर जब हमने देखा, जब आईटीआई के माध्यम से कुछ हमने जानकारियां मांगी तो उसमें ये खुलासे हुए हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यहाँ पर भर्ती में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है। और ये इसलिए कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य चिकित्सा के जो रजिस्ट्रार है वो भी राजस्थान के हैं, और उनकी जो पद की योग्यता है उन पर भी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, परंतु उसके बाद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। और अब कुछ लोग कहेंगे, सरकार कहेगी या ये लोग कहेंगे, हमने कोर्ट के माध्यम से ये आदेश लाया है। अगर कोर्ट के माध्यम से आदेश लाया है हम मानते हैं, परंतु ग्रुप सी के जो पद होते हैं वो यहाँ के प्रदेशवासियों पर उसका हक है, यहाँ के बेरोजगारों का उस पर हक है। अगर उत्तराखंड के बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं था? अगर कोर्ट से आदेश आ भी गया था तो क्यों सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, क्यों सरकार ने कोई अध्यादेश नहीं लाया जिससे भविष्य बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके? तो ये सारा मामला है, ये जांच का विषय। मांग हम ये कर रहे हैं कि इन लोगों की नियुक्ति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, इनकी जगह हमारे प्रदेश के योग्य युवा जो होंगे उनकी इस पर नियुक्तियां हो, क्योंकि ये प्रदेश, ये तो अभी एक छोटा सा आंकड़ा है, और भी विभाग है जिसमें प्रदेश के बाहर के लोगों को परमानेंट नियुक्तियां ग्रुप सी और ग्रुप डी में दी गई है, वो भी चीजें सामने आएंगी। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, परंतु इस लड़ाई की शुरुआत हम सभी युवा साथियों ने कर दी है, और इन युवा साथियों ने ये संकल्प भी लिया है। ये स्वास्थ्य विभाग में है, ये जी जी जी, इसमें अलग अलग है, परंतु और भी डिपार्टमेंट है। मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर अनेकों विभागों में इस प्रकार के घपले हैं, जिसको उजागर करने का हम सभी काम कर रहे हैं और भविष्य में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। रोजगार संघ और उत्तराखंड युवा एकता मंच की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, इसमें सारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार संगठन हैं वो और अन्य सामाजिक संगठन हैं जो उत्तराखंड के हितैषी हैं, आप प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने आज ये ऐलान किया है कि संयुक्त रूप में एक बड़े आंदोलन का आह्वान हम लोग करेंगे। इसके अलावा कुछ झूठी घोषणाएं, झूठे वादे मुख्यमंत्री जी ने किए थे। पहली घोषणा ये थी कि पीसीएस का सिलेबस बदला जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था प्रश्न पत्र 7 से जो है गणित को हटाया जाएगा और राज्य विशेष के 2 प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। वो 3 बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं कि उस मांग को पूर्ण किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने हमारे जो छात्रों के ऊपर मुकदमे हुए थे उनकी वापसी की मांग करी थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो मांग को हम सरकार को फिर चेताते हुए कहना चाहेंगे कि वो मांग भी पूर्ण की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य में नियमित रूप में भर्ती कराने की जो मांग करी थी, पीसीएस का कैलेंडर फिर पिछड़ने लगा है, तो हम अब सरकार को चेताते हुए अंतिम रूप में ये एक उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार युवाओं को फिर हल्के में ले रही है। 9 फरवरी फिर दोहरा सकता है, तो सरकार युवाओं की मांगों को जो है हल्के में ना ले। अगर मजबूरी में फिर युवाओं को सड़कों पे उतरना पड़ा तो फिर एक बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होगी।